Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो गाइस अभी हम हैं नालवेन फूड पार्क में और ये एक पिकनिक स्पॉट है। अगर आप कोलकाता पर रहते हैं और सेक्टर 5 के एरिया पे आप कोई पिकनिक स्पॉट खोज रहे हैं तो ये उनमें से एक है। तो मैं घुमा के आपको वीडियो दिखाता हूँ पूरा का पूरा कि ये कैसा है देखने पे। एसडीएम मोड यहाँ से राइट टर्न जैसे ही लेते हैं आप तो जो यहाँ से गेट पड़ता है पहला गेट ही है नालवर। ये हमारे अविनाश भाई क्या कर रहे हो? डांस कर रहे हैं। गुड गुड। इसको गाना पसंद आया। I request everyone to please come here and enjoy. ये वही है। I'm gonna
I'm gonna make you mine.
ये ई वाला पहल का बटिक बा ऑफिस के मेन गेट एंट्री होता अब ये थोड़ा जॉय का है, जॉय आएगा ऑफिस में बैठेगा सबसे थोड़ा सा कैसे हो यार वाह वाह यार यार तो हो गया। उसके बाद कंप्यूटर के पास बैठा মাঝে মাঝে যখন বলি বৌদি তুমি এই কাজটা করে দাও, বৌদি বলে প্রচন্ড বিজি আছে। ও বৌদি করে দাও না কাজটা, আরে আমি বিজি আছি এখন এই কাজ করছি। আরে তুমি তো তখন থেকে হোয়াটসঅ্যাপই করছো। তো আমি কাটটা করবো, আমি আজকে বরং পবিত্রদারটা করবো। পবিত্রদার যখন বসে কিছু টেস্টিং করছে বা কিছু ভাবছে বসে রয়েছে ফার্স্ট, এ পবিত্রদা এটা একটু টেস্ট করে দাও না, এই বাজাজটা সিডি অ্যাকাউন্টটা হলো নাকি। পবিত্রদা এটা টেস্ট করো না, পবিত্রদা শুনতে পাচ্ছ না? হ্যাঁ কি বলছিস? টেস্ট করো না না, হ্যাঁ ঠিক আছে দিচ্ছি দিচ্ছি দিচ্ছি। পবিত্রদা টেস্ট করলে, কি বলছিস? আরে বললাম তখন টেস্ট করে দাও। হ্যাঁ 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 টেস্ট করে দিই। তোরা ভুলে গেছি কি বলেছিলাম কে জানে, লিখে রিকোয়েস্ট তারাও বউ ফোন করেছে মনে হচ্ছে। না পবাদার তো বাড়ি যাওয়ার সময় মেশিন অফ করতে মোটামুটি 30 মিনিট লাগে, পবাদার জন্য আমরা কেউ ওয়েট করি না। পবাদা প্রথমে, পবাদা বাড়ি যাবে তো? হ্যাঁ চল মেশিন বন্ধ কর। মেশিন বন্ধ করলাম, উঠে দাঁড়িয়ে ব্যাগ প্যাগ কাঁধে নিয়ে নিয়েছি। পবাদা এখনো কখনো ভাবছে যে বাড়ি যাবে কিনা। পবাদা বাড়ি চলো। হ্যাঁ দাঁড়া, তখন উঠলো, উঠে কি সব ভাবলো কে জানে। তারপরে আবার ব্যাগ প্যাগ নিয়ে আবার বসে পড়লো, তারপরে আবার কি সব করছে করছে করছে। হ্যাঁ মেশিন শাট ডাউন দিচ্ছি, সব ব্যাক আপ ফ্যাক আপ কি সব নিচ্ছে কে জানে। তারপরে নিলো টিলো, আরে বৌদা বাড়ি যাবে তো? হ্যাঁ হ্যাঁ যাবো যাবো যাবো। আবার উঠে আবার বসে পড়লো, এরকম চলতে থাকে 5-6 মিনিট। আগে বাকিটা আগের দিন করে দিই, আর করবো না। হ্যান্ডলিটটা কি বলবো, হ্যান্ডলিটটা হেভি চাল, বড় মানুষের আমি করতে পারি না। কর সকতা আছে জরুর, স্টার্ট করতে হাজার দাসে ঠিক আছে। হাজার দাসে সবসে পহলা জব দেখতা হুম তো एक क्या उनके ऑफिस के जस्ट सामने जो एक पर्ची लिखी है, प्लीज इंटर विद अ रीजन, ठीक है। तो एक बार मैं सोच रहा था जाऊं, अजय दास से काम था, अब मैं सोच रहा था जाऊं तो जाऊं कैसे, अब कोई रीजन चाहिए, अब कोई रीजन ढूंढना पड़ेगा पहले अजय दास से मिलने के लिए। अब रीजन था क्या कि अजय दास सैलरी कब आ रही है। अब सोच रहा हूँ अजय दास से पूछूंगा ये ठीक है रीजन है या नहीं, क्योंकि एक सेंटेंस के पीछे 10 सेंटेंस और छुपे रहता है। तो मैंने सोचा पहले पूछ लूं अगर कि चलो भाई सैलरी कब आ रही है, अब वो बोलेंगे हो सकता है कि भाई सैलरी आएगी कि नहीं आएगी मुझे कैसे पता। तो उसके लिए भी मुझे आंसर ढूंढना पड़ेगा राइट, कि अगर आप ही हो डायरेक्ट सर से तो पूछ नहीं सकते, सर से पूछा तो मे भी सीधा बोलेंगे कि डू यू हैव, नहीं नहीं उससे पहले मुझे एक और क्वेश्चन का आंसर रेडी रखना होगा, क्योंकि आपके बाहर लिखा हुआ है आर यू रेडी विद, आर यू द पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम और यू हैव अ सॉल्यूशन राइट। तो ये दोनों चीज, तो ये दोनों चीज मेरे पास था नहीं, अब पूछो तो पूछो क्या। तो मैंने सोचा क्यों ना और किसी से पूछूं जो अजहरदा के करीबी हैं। अब करीबी कौन है, कुछ लोग हैं, ज्यादा नहीं है, कुछ लोग जरूर है। पहले आती है सहेली दी। अब सहेली दी के पास जाऊं, उनको मैं अगर देख लूं और उनसे अगर नजर मिल गई, सबसे पहले उनका शक बनता है। मैं उसी तरह सोचा था भाई नहीं जाना इनके पास, क्यों अगर जाऊंगा तो वो सबसे पहले मिली कोई काम लेके आया है जो कि मेरे पास रहता नहीं है। वो तो किसी साल में एक बार कोई काम आता तो सहेली दी के पास जाता, उसमें भी उनके नखरे कत बार काज नहीं है आशीष, कत बार एक ही काज 10 बार
अरे मैं उनको अपने दिल का दर्द कैसे बताऊं कि अंदर से मुझे क्या मिलता है, मेरा मेरे की मर्जी नहीं है। मैं स्टैनली जो बैठ के अब दूसरी बात आते हैं, तो अब आते हैं जो लोग मेरे आसपास रहते हैं ऑफिस में। मैं एक्चुअली क्या हूँ, लोगों को ऑब्जर्व बहुत करता हूँ। तो बगल में मेरे बैठा है स्टैनली, राइट, मेरे बॉस, मेरे मैनेजर, मेरे गुरु जो बोल सकते हैं। अब जब स्टैनली भी आते हैं तो सबसे पहले मैं सीट पे अपना बैठा रहता हूँ। ही इज़ अ मैनेजर, सबको बोलते हैं मीटिंग में बिठा के, ए तुम राइट टाइम पे नहीं आता है, सुजीत तुम्हारा क्या हुआ, तुम्हारा लेट इतना काय हो रहा है रे। अब प्रणय तू तो मुंह ही देखा भी ना बैठे, तू ही दूर था, ठीक है। और जब ऑफिस का टाइम आता है सब लोग सीट पे अपने बैठे हैं, स्टैनली का पता नहीं कहाँ है, कहाँ है स्टैनली, कहाँ है स्टैनली। तो स्टैनली खुद ही सीट पे नहीं है, बाकी सबको टाइम पे जरूर बोलता है, नहीं तो ठीक है। अब हुआ कि उससे कोई काम, ये वो बोलते हैं ना कि एचआर को लोग बोलते हैं कि एचआर से कोई काम करवा के दिखा दो, मान जाऊंगा। मैं कहता हूँ स्टैनली से कोई काम करवा दो मैं मान जाऊंगा। कोई भी उसे काम दे दो भाई, उसी का काम हो चाहे मेरा काम हो चाहे ऑफिस काम हो, कोड़ी दीछी यही सर, यही सर कोड़ी दीछी, बस यही कोड़ी दीछी सर, अपने ढुकुन मेल ढुक लो। लोग तारा तारी ऑफिस ढुके जाए किंतु मैसेज ढुके ना, ठीक है जी। अब उसके बाद आते हैं मेरे टीममेट, ये मेरे दादा सुमन दादा। ये भाई साहब देखने में बड़े ही चंबल के डाकू लगे, बट है दिल से बहुत ही प्यारे बच्चे से, मैं पांडा कह सकते, पांडा बहुत क्यूट होता है ना, वैसे बहुत प्यारे हैं। अब क्या होता है, ये मेरे जब बगल बैठते हैं इनके साथ मेरी थोड़ी सी मस्ती चलती रहती है। लाइफ में ऐसे सबको प्रॉब्लम होती है, मैं चाहता हूँ इनका प्रॉब्लम सबसे पहले दुनिया में सॉल्व हो जाए। अब आप पूछोगे प्रॉब्लम क्या है, तो भाई सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इनका पेट। मतलब सारी दुनिया का प्रॉब्लम कोई मायने नहीं रखता भाई, सैलरी वो आएगा सर आएगा। तो वो सारा दुनिया का प्रॉब्लम साइड में, इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम पेट भाई अंदर कैसे हो जाए। सही बात है, पेट प्रॉब्लम सबकी भाई प्रॉब्लम है कि पेट कभी कम हो जाए, पेट कभी कम हो जाए। बट जब आदमी को लगती है ना कि ये प्रॉब्लम है भाई, तो उसका सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए। सॉल्यूशन क्या हो सकता है भाई, दौड़ो चलो। इन महाराज का सॉल्यूशन क्या बताता हूँ, सीढ़ी चढ़ लो भाई, कम से कम नहीं दौड़ो सीढ़ी चढ़ लो। ये महाराज फर्स्ट फ्लोर है हमारा ऑफिस, लिफ्ट से जाएंगे। लिफ्ट से जाएंगे। मेरे टीममेट में ये राम लखन मेरे हैं, सुजीत और प्रणय, ठीक है। अब इनको कोई काम दू, पर पता नहीं है, बस बड़े खिलाड़ी है लोग, इनको कोई काम दे दो। सुजीत ये काम करना है, हाँ हो जाएगा। प्रणय तू क्या बोल रहा है, सुजीत अच्छा तू कोई काम बोला क्या, चलो भाई मैं काम ही बोल रहा हूँ। स्टैनली ने मीटिंग में बात करी थी हमारी, तो इस बेचारे को बोला कि प्रणय तेरा ये काम है। प्रणय इस स्टैनली बोल रहा है, तो क्या बोलची प्रणय, ओ मैं नहीं था किंजा था। स्टैनली ने बोला तो क्या बोलची, अभिजीत था। तो सुजीत ने घर से बोला भाई तुझे बोल रहा है, अच्छा हमारे बोलचो कि अरे तुम्हारे ही बोलची काज होए छे, हम सिस्टम चल छे ना स्टैनली। सिस्टम चल छे ना, माने सिस्टम चल छे तो बोल भी तो आगे, अजहर के बोल भी, आमा के बोल भी, कत बार तो बोले छी तुम्हारे, बोले छी या तो एक मेलो करे छी। अब आपने थोड़ी देर पहले बोला मैं स्टैनली से काम करवा के दिखा लूं, वो भी अपनी जगह, ये भी अपनी जगह।